और छोरो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है पीके पैराडाइज आइलैंड के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस वेल, जब से अपने लास्ट टाइम पीके एक्सट्री पैराडाइज आइलैंड खेला था, तब से अब तक भैया इस गेम में दुनिया भर के चेंजेस आ चुके हैं। भैया काफी सारे न्यू अपडेट आ चुके हैं, काफी सारी न्यू चीजें ऐड हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज इस गेम को एक बार और ट्राई किया जाए। और उसके अलावा भैया आज मेरे पास है ना समय का इतना गंदा अभाव है ना कि मैं और कुछ खेल ही नहीं सकता। मतलब लिटरली मेरे पास बहुत गंदा टाइम का अभाव है ना। तो वेल मेन रीजन तो एक्चुअली यही है मेरे ये पी के पैराडाइज आइलैंड खेलने का कि भैया आज मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो वेल मतलब मजा तो भाई बराबर आएगा क्योंकि गेम में काफी कुछ न्यू है। मैं भैया उस सबको एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट उससे पहले वेल, अगर तुम लोग चाहते हो इस सीरीज के एपिसोड इसी तरह कंटिन्यूसली आते रहे तो भैया इस वीडियो को दबाकर लाइक कर दो। अगर इस वीडियो ने 3000 दो दिनों में कंप्लीट कर दिए तो यस इसके एपिसोड रेगुलर आया करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो वेल, इससे पहले कि अपन लोग आज के एपिसोड की बंधुआ मजदूरी स्टार्ट करें, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। अपन अपने इस थर्स्टी कौए रेंडियर, हाँ अपने इस रेंडियर को पानी पिला लाते हैं, नहीं तो ये ऐसे प्यासा ही मर लेगा। पता चला इसने अपने प्राण त्याग दिए और फिर मतलब हाँ कुछ लोग तो भाई को भाई के साथ क्या हुआ उससे तो अवगत हो गई है ना। बिल्कुल मुझे वो नहीं करवाना। तो एक काम कर लेते हैं, अपने इस रेंडियर को थोड़ा जलपान करवा लाते हैं और उसके बाद अपना मतलब घूमने फिरने का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले मैं तो भूल गया मुझे जाना कहाँ है। पेट शॉप मेरे हिसाब से यही है ना। हाँ ये ठीक है। ऑलराइट, तो चलते हैं और जाकर इसको जलपान करवा देते हैं। क्या मैं यार ये चीज़ें घर नहीं करवा सकता? नहीं मतलब अच्छा हो यार अगर घर पे हो जाए तो, बट वेल नहीं हो सकता है ना, वही बात है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि तुझे नहाना तो कतई नहीं है। ठीक है, ऑलराइट इसको जलपान करवा देते हैं और एक्चुअली इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उसके बाद अपन इस पर राइड कर सके। हाँ अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मरा हुआ पड़ा है ऑलरेडी। हाँ आजा, प्यार भी दूँ तुझे है ना, दुलार भी दूँ तुझे। मूड खराब मत कर, थप्पड़ भी दूंगा तेरे को। देखो ऐसी बात है ना, मैं पिछले 15 मिनट से इसके साथ जूझ रहा हूँ, ठीक है, और इस नशेड़ी का मेरे समझ में नहीं आ रहा सीन पानी क्या है। अबे ये क्या, कौन सा साइन है भाई, इसे क्या करना, नशा करना, कहाँ लेके जाऊँ, ड्रग्स पिलाऊँ इसको? मेरा मत्ता भड़क चुका है। ठीक है, ओ हाय सर, हाय, बिल्कुल क्या करूँ मैं इसके साथ, मुझे बताओ। अंकल मेरी इस रेंडियर का दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पर नज़दीकी कोई पागल खाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको वहाँ भर्ती करवा दूंगा। मे बी न्यू अपडेट, कुछ न्यू करना है इसको मेरे हिसाब से। खतरों का खिलाड़ी है मेरा रेंडियर आई गेस है ना। आई एम डेफिनेटली नॉट श्योर है ना, सॉरी ब्रदर, आज मीटअप नहीं क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत डीले हूँ है ना, और इस पागल रेंडियर ने ऑलरेडी मेरा मतलब माय गॉड, दिमाग मेरा एग्जिट ही जान दो भैया। बाहर चलते हैं और बाहर जाके आराम से इस लोंडे के नाल, ओ ओ बेवकूफ अटोमिक्स, वाह भाई, मतलब क्या चल रहा है इस जिंदगी में भाई, है जी नहीं मतलब ग्रेट इसको बस, वाओ ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट, नाइस। ओ अच्छा, मुझे जिस जो टास्क बस करना है उसके आगे ये येलो साइन आ जाते हैं। अब क्या करना है इससे, पंजाबाजी क्या, फ्रूट हंटिंग करेगा? ये कुछ न्यू है। ऑलराइट, स्कूल ओपन हो चुका है, उधर जाएंगे है ना, उधर भी जाएंगे। बट उससे पहले मतलब मेरा ये लोंडा बावड़ा हो चुका है, इसको पिज्ज़ा खाना है, इसको पिज्ज़ा खिलवा के लाते हैं। ठीक है, एक्चुअली नॉट पिज्ज़ा बट हाँ अंकल तू बता क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, स्टार्ट मिशन। मेरे हिसाब से इस लोंडे को यही करना था, लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले अपने को फल फ्रूट कलेक्ट करने हैं क्योंकि वैसे भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भैया फल फ्रूट की जो कीमत है ना, माय गॉड नहीं लिटरली माय गॉड है ना। हाँ ये पंजा निशान क्यों आ रहा है इस पर, येल्लो जो भी, क्या करना मुझे यार, मतलब नया अपडेट कन्फ्यूज करके रख दिया मुझे कतई। ठीक है, बट जो भी हो, वाटरमेलन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को
एप्पल, वेल एप्पल का तुमसे पता है कहाँ जाना। वाओ मतलब पेड़ पौधों की जरूरत खत्म हो गई। अरे सही है यार। वेल ठीक है, मेरा फल फ्रूट कलेक्टिंग का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है एंड अब जगह जस्ट सिंपली इसको ये दे देते हैं और मेरे हिसाब से मेरे इस लोंडे का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कंफर्म, धन्यवाद। राइट, अपने वो 300 कॉइन्स मिल गए, नाइस। एंड मैं कसम से कह रहा हूँ ये रेंडियर मर जाएगा मेरे हाथों से आज। वाह, मतलब ये नए अपडेट में काका कर दिया मतलब वाह नाइस, ग्रेट जॉब। हाँ भाई कबूतर, बता अगला क्या काम है तेरा, क्या करना है तेरे लिए मुझे। ओ पिज्जा भी खाना है, वाह ग्रेट। मैंने तो बोला था, मैं तो ऑलरेडी बोला था, ठीक है इसको खाना है पिज्जा, ठीक है ग्रेट जॉब। अब इसके लिए पिज्जा ढूंढने डोलो। वाल इस बार मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है, ठीक है। ओ ग्रेट, मतलब पेट्स के लिए कतई फ्री, हमारे लिए भी कर दो यार थोड़ा बहुत फ्री, मतलब दे, 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 देख लो यार थोड़ा, मतलब हो जाए तो। हाँ भाई मालिक बताओ अब क्या करना है। अब इसको कितना झूला झुलाना है भाई, हैं साले तेरे को झूलों पे ही बांधू भाई भी कोटा पार्टी करेंगे इसके नाल। फिर ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है लोंडे चला तू घूमा घामी कर ले, घूमा डांस कर तू यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ। वाह उसको देखो, उसकी आंखें फटके बाहर आ गई कतई, कि भैया पूरा जिंदगी का आनंद ही मिल गया यहीं पे। और राइड तू आराम से घूमता रहे, मैं जब तक यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके, हाँ मैं जानता हूँ कैसे राइड करना है, मुझे ना सिखाओ, ठीक है। वेल अभी ये लेवल 2 का है, हाँ ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है भाई, तो भाई बिल्कुल पैट। ये रहा सेक्शन एंड अपग्रेड मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बाय द वे और भी हैं बट वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यू ही लौंडा चाहिए। आओ ये लेवल 3, ग्रेट अभी तक ये लेवल 3 पर भी नहीं पहुंचा, बहुत अच्छी। नाइस, फुटबॉल है कहते बड़ो बनाया, ठीक है मार दूंगा इसको मैं। ये क्या है नया सीन, वाह अब इसको ना मौत का कुआं चलाना है, वाह बहुत अच्छे। अब इसके लिए मौत का कुआं ढूंढने डोलो यार। हाय राम, मेरा भेजा फ्राई हो गया भाई। वेल मेरे हिसाब से ये सीसो का साइन है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना। हाँ भाई घूम ले, दूसरी तरफ मैं बैठ जाऊं ले भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब नशेड़ी रेंट यार मेरा ये अकेला इस शीशों में घूम घाम के मस्ती ले। तू तू मैं कसम से कह रहा हूँ रेंडियर बाबड़ा हो चुका है मेरा, ठीक है। इसको मेंटल, मतलब लेट्स फाइंड मोर, है ना। वेल जो भी हो, अब मेरे हिसाब से अब आखिरी टास्क है और उसके बाद ये लोंडा लेवल 3 का हो जाएगा और अब इसको झूला झूलना है। ग्रेट, वेल बाय द वे झूले तो मैंने इधर देखे, हाँ ये रहे ना। वेल ठीक है झूले झूला दो इसको यार, तुम लोगों का बड़ा सही है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई इसको इतना, इसको कौन से लेवल का ऑर्गेज्म छा रहा है इसके, मतलब इमोजी देखो ऊपर कौन सा इमोजी बन रहा है, मतलब पेट है क्या, मतलब क्या है तू। ऑल राइट अब बस इसका आखिरी टास्क और उसके बाद मेरा काम हो जाना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है बता दे। ओके अब इसको मुजरा करना है, बहुत अच्छी। नहीं मैं कह रहा हूँ ये मेरे, बहुत अच्छी, ठीक है भाई तू कहेगा तेरे को मुजरा भी करवा देंगे। हाँ भाई अंकल मेरे पेट को मुजरा करना है। ओके आई गेस ये मुजरा नहीं करवाती, ठीक है अगर आप मुजरा नहीं करवाते तो आई अंडरस्टैंड। मैं मतलब ओ ओके यहाँ मुजरा करेगा तू, ये है किस क्वालिटी का मुजरा भाई और अभी भी वही वाली फीलिंग, मतलब मेन बात यह है कि अब तू लेवल 3 का हो गया है बिल्कुल, ठीक है अब इसको अपग्रेड कर देते हैं। टैप टू कंटिन्यू एंड अपना लोंडा अपग्रेड हो गया है जी। हाँ अब ये अपग्रेड तो हो गया पर मैं इसको पे अभी भी राइड नहीं कर सकता, अभी भी मेरे को इसको लेवल 5 तक अपग्रेड करना पड़ेगा तब अपन इस पर राइड करेंगे। वाह अब इसको सोना है, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं मार दूंगा इसको क्या है यार ये, चलो छोड़ो इसको बाहर में जान दो इसको, कदे और सोचेंगे। फर्नीचर मेरे को नहीं लेना है ना, रहन दो मेरे को ना लेना फर्नीचर अभी के लिए, काम कर लेते हैं चल लेते हैं और जाकर स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि मैं वेल एक्चुअली मैं अपने सरेंडियर का एडमिशन करवाऊंगा, ठीक है क्योंकि ये साला बड़ा गवार टाइप का बंदा है।
वर्ल्ड में से अगर अपन टेक्निकली देखे ना तो ये अपना पहला दिन है स्कूल में, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्या ना से हो रहा है भाई, ये पहले तो नहीं था यार एक्चुअली, है ना। ओ अच्छा, सिनेमा घर, हाँ मतलब कुछ टाइप का, लाइक दिस मतलब एक्सेक्टर वगैरह कुछ, मतलब ऐसा ही टाइप का ये है ना। जी हाँ, और ग्रेट बात, अपन अपने रेंडियर को भी अपने साथ ला सकते हैं, हाँ मतलब अपने पैट को भी यहाँ पर ला सकते हैं, कमाल बात है भाई दबे, है ना। और ये कौन सी मूवी चल रही है गाइस, प्लीज इसको चेंज कर दो, है ना। हाँ वेल भाई, ये वैसे सही है, अपन हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, हैक ब्रदर वो हैक का सॉर्ट आउट हो चुका है बिल्कुल, है ना। मतलब जी हाँ, तुम लोगों ने देखा ही होगा अपना वो वाला सीन पानी, मतलब बैड बॉस वाला, अपना अकाउंट हैक हो चुका था। जी हाँ, उसका सॉर्ट मतलब वैसे तो नहीं हुआ बट टेक्निकली एक तरह से हो गया, हाँ मतलब थोड़ा इश्यू है बट ओके, नोट नोट इतने बड़े ना है वो अभी, मतलब कि ना बिल्कुल। एंड यहाँ क्या चल रहा है भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कौन सी मूवी चल रही है, मतलब व्हाई क्यों वही, मतलब वियर्ड एक्चुअली, है ना। जी हाँ ऑलराइट, तो ये ओ वाह, ये कैसे दरवाजे हैं भाई। मतलब कोविड में सबसे पहले हाथ धोना, मतलब किधर से धोऊं, हेलो लेट मी वॉश माई हैंड प्लीज, नहीं बहुत अच्छी कोई ना, वन फ्लोर, ओह इंस्टेंट, ओह ग्रेट एक्चुअली, है ना। मैं पेंटिंग कर सकता हूँ सीरियसली, आ नाइस। एंड बाय द वे, मुझे क्या करना है, मुझे तो यही नहीं पता क्या पेंटिंग है ब्रदर, ये है मतलब हमारे जैसा आर्टिस्ट रहेगा तो। ओ ओ ओ ओ ग्रेट, मेरे दिमाग में यार इसको पूरे को इरेज करना पड़ेगा शायद, है ना। हाँ ग्रेट, मतलब वाओ, अब इसको रेस करने बैठो। वेल बाय द वे गाइस, तुम लोगों के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों को पता ना हो, मैं पासपोर्ट आउट दोबारा खेलने की सोच रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट भी डाला था कि क्या बनाना चाहिए अपने को, ठीक है। और वहाँ से मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई तुम लोगों का इंटरेस्ट कम है इसमें, तो आई एम नॉट श्योर बट तुम लोग बता दो मुझे कि खेले भी या नहीं, मतलब पता चले भाई तुम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, नहीं मतलब कमेंट बहुत कम आए इसलिए, है ना। और वेल मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा है ना, नाइस नाइस जॉब बाय द वे, ग्रेट। वेल रेड इज माय सेकंड फेवरेट, एक्चुअली फर्स्ट फेवरेट कलर, वेल जो भी हो ठीक है। जूम इन प्लीज, थैंक यू, ओके रेड कलर, एंड इसको आप फिलअप कर देते हैं आराम से तरीके से तसल्ली नाल। ऑल राइट ग्रेट ग्रेट, अच्छा जा रहा है, बट इसको पूरा फिलअप करने में भाई जीवन, पूरा जीवन लग जाएगा हमारा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। वेल भाई दो भाई, काफ़ी सही लग रहा है ना। और उसके अलावा एक काम और कर लेते हैं, अगर कोई आता है तो उसके लिए एक मैसेज, सब टू वेयर आई पुट अटोमिक्स, हाँ वेल लेट्स सी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओके वियर्ड एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, बट जो भी हो अच्छा लग रहा है ना। तो जी हाँ गाइस, ये तो जस्ट एक सैम्पल था कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो अपन पासवर्ड आउट का भी एक एपिसोड लाए, ओ जू मतलब दोबारा, तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बता देना अपन को क्या बनाना चाहिए। वाला अभी के लिए तो ये इतना सही है, और क्या, ओ ग्रेट, मतलब जो भी आएगा उसको ये दिखेगा, नाइस गाइस। ओ यहाँ क्या चल रहा है भाई, दबे ही से ही विल रेस्ट पास एंड लॉग इन अगेन, यस यस मैंने रिस्टार्ट रिसेट कर दिया उसको बिल्कुल। हाँ भाई गाइस, आ जाओ यहाँ बैठ के सब मिलके मीटिंग करते हैं, आई गेस ये मीटिंग प्लेस है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बैठ जाओ, स्थान ग्रहण कर लो गाइस, सबत्ते अपना अपना। क्या चल रहा है यहाँ पर ब्रादर, उसको छोड़ दे नशेड़ी है वो पता चला पीर को फेंक दिया ऊपर से ही मतलब यस, चाय पी लो, पिला दो ब्रदर, अगर तुम पिलाओगे तो हम अवश्य पींगे, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता यहाँ पर चाय मिलती होगी, बट वेल हु नोस, है ना। हाँ मतलब वेटर, चाय लेके आओ ना प्लीज,
वेल तो मेरे हिसाब से यहाँ पर चाय पर चर्चा काफी हो चुकी है, ठीक है। अब चल लेते हैं आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर काफी कुछ करना है अपने को अभी भी, है ना। एंड यहाँ पर भी सिनेमा, ओह यार क्या चल रहा है, हाथ धो सकते हैं क्या हम यहाँ पर? नहीं, लेट्स टेक अ लुक इन टू भाई प्राइवेसी नाम की चीज है कि ना यो? क्या मैं गर्ल्स टॉयलेट में, मतलब गलत मत समझना, इट जस्ट अ क्यूरियोसिटी। ओह ग्रेट, मतलब इस स्कूल में दाखिला नहीं लेना मेरे को। काई का स्कूल है ये जी, काई का स्कूल है ये साला, यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वो ग्रेट, लेट्स सी ये लोग मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? हेलो, मैं लॉकर के अंदर हूँ। लेट्स सी इन लोगों को पता चलेगा। ओ, इनको पता नहीं चल रहा, ग्रेट, मेरा नाम भी नहीं आ रहा एक्चुअली। ओ भाई साहब ग्रेट। वेल अपन वैसे किसी को लॉकर के अंदर नहीं ढूंढ सकते अंटिल अपन उसके कदे क्लोज चले जाएं, ठीक है। और ये कौन सी जगह है? एरोबिक प्लेस? वेल मेरे हिसाब से कुछ और होगा। अभी के लिए तो एक काम कर लेते हैं, अपने रेंडियर को ले जाते हैं और इसना शेडी को सुलवा देते हैं। जी हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वाई द वे यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। ओके, मैंने सोचा मैं ऐसे ही घुस जाऊँगा, बट नहीं, एक्चुअली नहीं, बिल्कुल। ऑल राइट, तो क्या अपन लोग यहाँ पर गेम अपन लोग गेम खेल सकते हैं। वाओ, ओके, वियर्ड एक्चुअली, बट ओके। थ्रो इस यस, मेरे को पोलियो हो रहा है बिल्कुल। बल अपन कभी और आएंगे यहाँ पर, डोंट वरी, है ना। अभी के लिए अपन यहाँ पर तसल्ली से घूमा फिरी कर लेते हैं। और ये मेरा क्लासरूम है एक्चुअली, लेट्स टेक अ लिटिल बिट लुक। ओ वाह, बोर्ड पर क्या लिख रहा है बे? ब्रादर, क्लास के अंदर गेंद नहीं खेलते, प्रिंसिपल कूट देगा दोनों को। बोर्ड पे क्या लिख रहा है बे? इसका मतलब अपन बोर्ड पर कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट द ग्रेट एक्चुअली, है ना। मेरे को इस वाले पर भी लिखना है। वेल देन, ये सही है एक्चुअली, परफेक्ट एक्चुअली, कतई परफेक्ट, है ना। सब टू अटोमिक्स, वेल ये भी ठीक है, नॉट अ बैड। और एक्चुअली मैं ये वाले को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सही नहीं है। जी हाँ, अब ये कतई सही है बिल्कुल। ऑलराइट, एक काम करते हैं, अब चलते हैं और जाकर वेल यहाँ पर क्या क्या है। वेल मेरे हिसाब से अपन ने पूरा स्कूल भटक लिया। ये प्रिंसिपल का एरिया है जहाँ पर अपन शायद नहीं जा सकती। भैया स्कूल में प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। हाँ भाई स्टूडेंट्स आ जाओ, किसको मेरे स्कूल में एडमिशन चाहिए? परंपरा प्रशासन, क्या 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 डायलॉग था वो, मैं तो भूल भी गया। परंपरा अनुशासन प्यार मोहब्बत इश्क, आई डोंट नो। हाँ ब्रादर, एडमिशन चाहिए? हेलो, तुझे मैं अपने स्कूल से रस्टिकेट कर दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। मेरे स्कूल में फुटबॉल खेल रहा है। भाई तो भाई ये मेरा स्कूल ना है, बट जो भी हो, अभी के लिए मेरे को यहाँ से बाहर जाना है बिल्कुल। एग्जिट, हाँ, मेरे को एग्जिट करना है बिल्कुल। पर अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है देखने को, है ना। और अब मेरे इस थर्स्टी कौवे को सोना है। अब मैं लिटरली इसको सुलवाने के मूड में कतई भी ना हूँ, ठीक है। वेल मेरे हिसाब से आज के लिए तो अपन ने काफी सारी मस्तियां कर ली ऑलरेडी, है ना, काफी घूम लिए फिर लिए अपन। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अपन और क्या ही कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। स्कूल भटक लिया, प्लीज भटक लिया, सब कुछ सही है वैसे देखा जाए तो, मतलब ठीक है। हाँ मतलब अगर तुम लोग चाहोगे तो अपन इस पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर तुम लोगों ने 3,000 लाइक 2 दिन में कंप्लीट कर दी तो। बट आज के लिए बस मेरे हिसाब से इतना काफी होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं जल्दी को न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।